नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार राय, बेगूसराय बिहार से। आज काफ़ी दिन हो गया वीडियो नहीं बनाया था, तो बहुत लोग का उनका कॉल आ रहा था कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं, एक दो वीडियो बना करके डालिए। तो मेरे पास में अभी जो है फिलहाल एक ट्रेन का अपडेट मैं देना चाहता हूँ। इसमें अभी हम लोग सीड स्टॉक करेंगे। इसका लंबाई जो है 50 फीट है और चौड़ाई 10 फीट है। इसमें 1,00,000 सीड जो है स्टॉक करेंगे, 1,00,000 सीड स्टॉक करेंगे और इसको अभी जो है जनवरी में या फरवरी में इसको फिर से बिक्री करेंगे। अभी स्टॉक करना है इस मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ में इसको स्टॉक करेंगे। और अभी तो इसका पानी का तैयारी चल रहा है और ऑक्सीजन के लिए देखिए ऊपर से भी इसमें दे दिए ताकि झरना भी गिरता रहेगा और बच्चा जहाँ भी रहे वहाँ उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप 1,00,000 बच्चा इसमें स्टॉक करते हैं तो अभी जो है सीड का दाम 30 पैसे 20 पैसे पड़ेगा, लेकिन जब 3-4 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद जब छोटा सा स्पोन रहेगा, वो जब फिंगरलिंग हो जाएगा, एक एक चार 3-4 इंची का हो जाएगा, तो उसका रेट कम से कम 3-4 रुपया होगा। तो उसी तरह से इसका स्टॉकिंग भी चल रहा है, इसमें स्टॉकिंग करेंगे। और आगे जो है उधर हमारा एक बहुत बड़ा स्टेनराइज पोंड जो है इस साइड में बनने वाला है। उस साइड वो पूरा टूट रहा है, इधर से दिखाओ, ये पूरा टूट रहा है। और वो जब स्टेनराइज पोंड बन जाएगा उसके बाद जो है इसका अपडेट आपको मैं दूंगा और किस तरह से बनाना है तो वो मैं बताऊंगा। मैं यहाँ पर आए दिन लग रहा है जैसे बायोफ्लॉक में बहुत लोग इसमें घुस गए हैं और सामान इस तरह से बेचते हैं कि लोगों को, एक आदमी को 74,700 रुपया। अभी कल फोन आया था शाम को कि मेरा 54,000 रुपया ले लिया है, एक का कुछ 35,000 कुछ रुपया ले लिया है। इस तरह से मार्केट में जो है सो चोर भी घुस गया है। तो आपको सामान जहाँ से भी ख़रीदना है तो पहले आप उसके बारे में पता कीजिए कि वो आदमी कहाँ का है। कम से कम ये तो रहे कि आपका पैसा सुरक्षित रहे। आप बिजनेस करने के लिए चल रहे हैं और फर्स्ट कदम में ही जैसे आपने कदम उठाया वैसे ही आपका गला काट दिया, ऊपर से ही, मतलब आप पहले से ही टूट जाएंगे तो आगे क्या बिजनेस करेंगे। इसके लिए आपको सतर्क रहना है। सीड कलकत्ता में सीड के लिए कम से कम 10 आदमी का फ़ोन आया है कि मेरा 45,000। ये लोग भी सामने हैं, कल आपके सामने ना आया था आदमी, क्या बोला, कितना रुपया फंस गया है? मैंने 54,000 रुपया का, मैंने मछली का बिया लाने के लिए बिया अभी तक नहीं दिया है। अभी तक नहीं दिया है? 45,000 वाला दिखा नहीं? हाँ 45,000 एडवांस ले लिया और उसके बाद आज तक उसको सीड नहीं पहुँचा है। तो ऐसे ऐसे लोग कलकत्ता में भी बहुत सारे हैं कि आपको बोलेगा कि मेरा ये HD है, वो HD है, ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या होगा जब आप पेमेंट दे देंगे तो आपको क्या होगा, पेमेंट तो ले लेगा लेकिन उसके बाद आपका स्विच बंद कर देगा, मोबाइल बंद कर देगा। आप उसको कलकत्ता में खोजते रहिए और आपको मिलेगा नहीं। मेरे यहाँ सारा ये सब समस्या को देखते हुए मैंने अपने यहाँ कम से कम रेट में 750 GSM 8,000 रुपया में और 850 GSM 9,000 रुपया में, मतलब इस तरह का जो है सामान का विवरण मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन इस तरह से सामान, सारा सामान A to Z सामान मैं उपलब्ध कराया हूं ताकि लोग ठकाए नहीं। और जो मोटर आपका है 1 HP मोटर है ताइवान वाला, वो भी मेरे पास उपलब्ध है। 1 HP 2 HP 3 HP 5 HP जो भी चाहिए आप यहां से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, आपके घर तक सामान पहुंच जाएगा। और ये मेरा फॉर्म है, ये कम से कम यहाँ ये तो निश्चित रहेगा कि ये फॉर्म में हमारा है और यहाँ जाएंगे तो हमारा वो आदमी मिल जाएगा। लेकिन आप कलकत्ता में चाहे इधर किसी भी जगह से YouTube बना करके आपको डाल देगा और डालने के बाद क्या करेगा, पेमेंट आपका लेने के बाद आपका स्विच बंद कर देगा। आप क्या करेंगे उसको, बहुत अपना काम धाम छोड़ के दिल्ली बम्बई और गुजरात जाएंगे वसूलने के लिए। इसलिए ये मेरा जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि कम से कम आप सामान जहाँ से खरीदें, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे यहाँ से खरीदें, लेकिन जहाँ से भी आप सामान खरीदें वहाँ आप जो है सो पहले जांच पड़ताल कर लें और उसके बाद सामान खरीदें ताकि आप फंसे नहीं। यहाँ पर आए दिन रोज़ आदमी आता है कि मेरा ऐसे फंस गया, ऐसे फंस गया। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए मुख्य उद्देश्य मेरा जो है वीडियो बनाने का यही था कि आप जो है सामान जहाँ से लें उसका इंक्वायरी किए बगैर किसी को अकाउंट में पैसा नहीं डालें। आगे फंस जाने के बाद जब उसका इंक्वायरी चलता है तो उसका इतना लंबा हाथ पैर रहता है कि उसके तक पहुंचने में पहुंच नहीं सकते हैं आप।
इतना उसके अंदर मतलब पेच रहता है कि जिसको पेच को सुलझाते सुलझाते आप आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा और उस आदमी तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, आपका पैसा चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे मैं ये आपको बता ही दिया हूँ कि इसका अपडेट आपको देना था, पहले ही देना था, लेकिन कुछ लॉकडाउन के कारण मेरा तिरपाल वगैरह नहीं बना था तो मैंने इसको अपडेट दिया हूँ। इसमें कल सीड स्टॉक होगा, कल से परसों तक मतलब जो है सीड स्टॉक हो जाएगा इसमें 1 लाख से ऊपर। आगे मैं जानना चाहता हूँ भाई साहब से, आप अपना नाम बताइए। मैं झारखंड स्टेट से चंद्रदीप यादव आया हूँ। ये बायोफलक का साल भर से हम लोग YouTube पर बहुत सारे लोगों का देख रहा था, उसमें ये राजीव राय जी का ही मैंने कि हम देख के अथी हुए हैं, और सरकार का जो आत्मनिर्भर का जो मैंने कि अथी करने का अथी है, उसी जिज्ञासा से हम लोग 5 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हैं, और यहाँ देखकर हम लोग बहुत ही संतुष्ट मैंने ही होते। ये कम पैसा में अच्छा सा कारोबार करके आदमी आत्मनिर्भर बन सकता है। आप कितना डायामीटर का टैंक लगाना चाह रहे हैं? हम 7 डायामीटर का 3 टैंक और 4 डायामीटर का 2 टैंक बनाने का लक्ष्य रखे हैं, जो कि अभी सरकार के प्रधानमंत्री के द्वारा PMRY के द्वारा इसमें मैंने कि बहुत ही अच्छा बजट मैंने कि ये बेरोजगार लोगों को मैंने कि आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया थी, उसी को अभी लेकर हम लोग एक यहाँ से सीख कर जाएंगे, जो जो हम लोग को मैंने कि कमी है उस चीज़ को यहाँ से अपने प्रैक्टिकल करके मैंने कि किताबी पढ़ने से नहीं यहाँ आके ट्रेनिंग लेने से ही सही जानकारी मिलती है, ये हमको समझ में आया। आपको एक दिन में अगर जैसे मैं यहाँ पर ट्रेनिंग दिया हूँ उससे क्या संतुष्टि मिल सकता है क्या? नहीं, एक दिन का ट्रेनिंग से संतुष्टि मेरे ख्याल से तो हम जो यहाँ रह के देखें नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक, आपने प्रैक्टिकल किया यहाँ पर, अपने हाथों से किया, आपने क्या क्या किया यहाँ पर? मेन इसमें अथी है कि मेन मछली पालन में अमोनिया को मेंटेन करना है। अमोनिया जीरो किया आपने? हाँ, अमोनिया जीरो किए हमने, यहाँ कर लेंगे अपने। हाँ, अपने हम लोग कर लेंगे। और NO2 TDS ये सब मुख्य मने की अथी है, जो कि बहुत से लोग मछली पालन ये सब जो तालाब इस सब में करते हैं ये सब चीज़ उतना अच्छा तरह से नहीं है, लेकिन कम से कम जगह में मने कि ये व्यापार करके ये सब अगर मेंटेन करके रखा जाए तो वो अपना जीविका चला सकता है। और मेरा कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले चाहे कहीं भी ले, लेकिन एक दिन का थ्योरी तो YouTube पे मिल जाएगा दुनिया भर का आपको। मेरा ही चैनल उठाइए, उसमें दुनिया भर का YouTube पे मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है कि वाटर प्रिपरेशन, आप आके अपने हाथ से टैंक सफाई कीजिए, टैंक की धुलाई कीजिए, उसके बाद उसको सैनिटाइज कीजिए, सैनिटाइज करने के बाद उसमें वाटर प्रिपरेशन कीजिए, नमक डालना कितना है, डोलोमाइट कितना डालना है, ये सारा एक एक तरतीब। उसके बाद आपने सीड स्टॉक भी किया, सीड स्टॉक किया आपने, सीड जो है किस तरह से स्टॉक किया जाता है? हाँ, उधर से हाँ ट्रांसफर किया ना आपने कवई? हाँ, कवई को अथी किए मैंने कि गिन कर, मैंने कहने का मतलब है जब भी अथी करें तो अपना संख्या उसको जो भी है गिन कर ही डालें। सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये बायोफलक या जो टेक्नोलॉजी है इसमें आप जितना भी मैंने कि अच्छा तरह से निगरानी रखिएगा, डेली सारा चीज़ मेंटेन करके रखिएगा, तो बहुत ही अच्छा ढंग से ये कम पैसा में ये व्यापार किया जा सकता है और मैंने आत्मनिर्भर बना जा सकता है। दूसरी बात ये है कि जो आप छोटा टैंक लगाते हैं, छोटा टैंक में क्या होता है जैसे 8,000-10,000 लीटर का, 15,000 लीटर का, ये हमारे समझ से मेरे पास तो अभी 41 टैंक है टोटल, 41 टैंक अभी हो गया है, 41 टैंक में एक ये अभी बड़ा है और बाकी जो है 6 लाख लीटर का टैंक बना रहा हूँ एक ही बार में, और इसके बाद जो है दूसरा प्रोग्राम हमारा RS का है, इसके बगल में ही RS का प्रोग्राम, उसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो गया है और फॉर्म फिलअप भी हो गया है, और अभी हम लोग इस हफ्ता मतलब ये महीना थोड़ा सा रुक रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ जो है 15 तारीख के बाद से जो है तो हम इसमें RS का काम शुरू कर देंगे और साथ में ये भी काम शुरू हो जाएगा। आपसे जानना चाहता हूँ आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव सिंह है, मैं झारखंड हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ। जी जी जी। और यहाँ मैं बायोफ्लॉक सिस्टम को समझने आया हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि लोग पॉन्ड में ही मछली पालते हैं, और ये एक ऐसा नया टेक्नोलॉजी है जिसमें आदमी अपने घर के बगल में अगर
एक कट्ठा दो कट्ठा है तो उसमें आराम से बायोफ्लॉक पाल सकते हैं मछली को और अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक टैंक से आपको कितना उम्मीद लग रहा है कि कमाई हो जाएगा? एक टैंक से 50-60 हज़ार लीटर का अगर लगाते हो, 50-60 हज़ार लीटर का अगर टैंक लगाते हैं हम लोग तो उसमें 50% का जो भी हम खर्च करेंगे उसका 50% आमदनी हो सकता है। कम से कम 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं एक टैंक में। बड़ा टैंक रहेगा 6 टैंक के बराबर, एक टैंक तो 50 हज़ार से 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसके तरह से जो है सो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप झारखंड से आए हैं ना? झारखंड से आए। आपकी क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए हैं? नेपाल से। नेपाल में कौन सी जगह से आए हो बताइए? नेपाल से काठमांडू। काठमांडू आपने कितना दिन से हो गया यहाँ पे? मैं 10-15 दिन। 10-15 दिन हो गया है? आपने 15 दिन क्यों लगाए? तो 5 ही दिन का ट्रेनिंग होता है। मैं उधर जाके खुद बिजनेस करना चाहता हूँ। खुद बिजनेस करना चाहता हूँ। आप ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं? वही तो। हाँ, ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं और ट्रेन भी लगवाएंगे दूसरी को। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और मैं जहाँ तक होगा सारा चीज़ मैं आपको सहयोग करूँगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको सामान के बारे में बता दूँ, थोड़ा सा मैं क्लिप दिखाऊँगा सामान का। और सामान जो है बिल्कुल चीप रेट में, कम से कम रेट में कोशिश करता हूँ कि यहाँ से आपको मिल जाए, ताकि जो दुनिया लूट रहा है या दुनिया जगह पर लोग जा कर ठका जा रहा है, पैसा फंस जा रहा है, तो उस तरह का यहाँ पर आपका कारोबार नहीं होगा। और आप यहां पर देख लीजिए सामान का जो है, तो मैं एक वीडियो बना करके मैं इसी में डाल रहा हूं, आगे मैं स्क्रीन पे आ रहा है सारा सामान आपको। 700 GSM, 800 GSM, सारा चीज़ आपको जो भी चाहिए, 1000 GSM, तो आप ऑर्डर दीजिएगा, आपके घर तक चला जाएगा। आप अकाउंट में पैसा KGRM के अकाउंट में डालिएगा, डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में डालिए और वहाँ से डालने के बाद डायरेक्ट आपके सामान घर पर पहुँच जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो इतना ही बोल करके बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।